स्टूडेंट्स, अपनी वेलकम इसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, अब हम लोग जो है लाभ हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन सारी बातों पे बात कर चुके हैं और देख चुके हैं कि क्या कौन सी चीजें कैसे होती हैं, ठीक है ना। कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि बोलते हैं। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब धीरे धीरे ना इसके क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हैं अपन। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालते हैं अगर किसी वस्तु को अपन जो है बेचे हैं, लाभ हुआ है या हानि हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग आज छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस लेवल को अपन और आगे तक बढ़ाएंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चला गया होगा, आराम से देखो और इस क्वेश्चन को पढ़ो। चलो देखो एक बार मेरे साथ पढ़ो। देखो क्या कह रहा कि 820 रुपए की साइकिल को यदि 820 रुपए की साइकिल को यदि 5% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि वो बेच देता था, आपको विक्रय मूल्य पता होता था, आपको क्रय मूल्य पता होता था, फिर आपको क्या निकालना होता था, फिर आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी होती थी। अभी उसने क्या कहा कि 820 रुपए की साइकिल को वो क्या कर रहा है, 5% लाभ पर बेच दे रहा है। अब क्या कर रहा है, उसका विक्रय मूल्य बताओ। तो भाई सीधी सी बात है कि 820 रुपया, ठीक है, 820 रुपया क्या है उसका, सीधी सी बात है उसका क्रय मूल्य है, क्या है, क्रय मूल्य है। अब क्या कर रहा है कि 5% लाभ पर बेच दे रहा है, कितने पे, 5% लाभ पर, 5% लाभ पर वो बेच दे रहा है। तो लाभ का मतलब ये होता है कि इसका 5% निकाल के इसमें जोड़ दे तो सीधी सी बात है कि अपना क्या निकल जाएगा, फिर अपना विक्रय मूल्य निकल जाएगा कि कितने पे उस बंदे ने उसको बेचा है। तो देखो 820 का 5% निकालो, 5% निकालो तो एक गया यहां से, एक गया यहां से, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 2 से जब 82 को काटोगे तो कितना आएगा, 41 आएगा, यानी कि 41 रुपीज यानी कि 41 रुपया जो है उसने लाभ लिया। सीधी सी बात है भाई, लाभ लिया। तो लाभ लेना, लाभ लेने का मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य में वो चीजें जुड़ जाएंगी। तो 820 + 41 कितना हो जाएगा, 1 और 6 और ये 861, यानी कि 861 रुपए में वो चीज बिकेगी, यानी कि 861 रुपए में वो साइकिल को बेचेगा अगर उसको कितना, अगर उसको 5% लाभ लेना है तो। ओके, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा सी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन अपन और करते हैं, दो तीन क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आराम से उतार लेना, उतारने के बाद पॉज करके उतार लिया करो तुम लोग, ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके उतार लिया करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई कुर्सी 120 रुपए में खरीदी गई थी, क्या था, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, कि कोई कुर्सी है 120 रुपए में खरीदी गई थी और 15% लाभ लेकर बेच दी गई, 15% लाभ लेकर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य बताओ। सीधी सी बात है भाई कि 120 कुर्सी थी, यानी कि उसका अगर क्रय मूल्य देखा जाए, अगर क्रय मूल्य देखा जाए कुर्सी का तो कितना है, 120 रुपए है, 120 रुपए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा टफनेस उसकी नहीं रहती, टफनेस भी रहती है तो उसको भी अपन धीरे धीरे देख लेंगे। ओके, अब देखो क्रय मूल्य क्या है उसका, क्रय मूल्य है 120 रुपए। ओके, और 15% लाभ पर, 15% लाभ लेकर वो बेच दी गई। 15% लाभ लेने का मतलब क्या हुआ, 120 का 15% निकाल लो, 15% निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 = 5 × 10 = 2 × 1 = 2 × 6 = 12 कितना हो जाएगा, 18 रुपीज, यानी कि 18 रुपए। ओके, 18 रुपए क्या हुआ, 18 रुपए उसने लाभ लिया। और लाभ लेने का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर 120 रुपए का सामान था, 18% उसने लाभ लिया, अरे 18 रुपए लाभ लिया तो 18 रुपए ले लिया तो कितना हो जाएगा, 20 + 30 = 38 यानी कि 138 रुपीज, यानी कि 138 रुपए में उसने बेचा होगा तब उसको 15% का लाभ हुआ होगा। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लगाते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लगाते हैं कि जैसे मान लो क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य निकालना हुआ तो सीधा सा क्या कर देते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या करते हैं कि ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य
ब्रेकेट में वन प्लस लाभ या हानि, ठीक है, लाभ या हानि और बटे सौ कर देते हैं, बटे क्या कर देते हैं, बटे सौ कर देते हैं, इस पर भी आंसर आ जाता है। अगर आप इसको एक फार्मूला या शॉर्ट ट्रिक माने तो ये आपका फार्मूला या शॉर्ट ट्रिक हो गया। चलो इससे भी इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं कि ये इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखो विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 120 रुपए। चलो 120 रुपए ब्रेकेट में कितना हो गया, वन प्लस लाभ कितना है, लाभ है 15 बटे कितना 100, सो कर तो देखो आएगा कि नहीं आएगा, देखो आएगा कि नहीं आएगा, 5 × 15 और 5 × 20 तो 20। अब इसको सॉल्व करो, 20 × 3 = 23 कितना हो गया, 23/20 गुणे 120, तो ये गया, ये गया 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 36 = 18 और 6 × 2 = 12 = 13। देखो तब भी आ गया 128 रुपए, 128 रुपए यहां भी आया था, 128 रुपए यहां भी आया था। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जब भी कभी तुमसे विक्रय मूल्य पूछे, कभी भी तुमसे विक्रय मूल्य पूछे, अगर तुम्हें क्रय मूल्य मालूम है तो इस शॉर्ट ट्रिक का भी यूज अपन कर सकते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक का यूज ऐसे कर सकते, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ या हानि अपन 100, तब भी आपका आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप लोग फार्मूला भूल गए हो शॉर्ट ट्रिक में अक्सर, इसीलिए हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से बचाने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है ना कि जितना जल्दी से आती है, जैसे ये अब जैसे हम आपको बताए कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस है ना, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ या हानि अपन 100, ठीक है ना, बटे 100, तो ये आ तो गया, तुरंत आ गया और रखे आप आंसर भी आ गए। लेकिन होता क्या है ना, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य, ये सब इधर उधर हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पे ही प्रैक्टिस करनी है तो ढेर सारे क्वेश्चंस अगर आप बना लेंगे तो वो शॉर्ट ट्रिक भी आपकी अपनी हो जाती है, ठीक ना, तो कभी कोई दिक्कत महसूस मत करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन शॉर्ट ट्रिक से भी बनाएंगे और उसके बाद परसेंटेज निकाल के जोड़ेंगे भी। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले अपन है ना क्या करेंगे, मेरे साथ पढ़ना है, पढ़ना है, उसके बाद बहुत ही आराम से सोच के उसका आंसर देना। चलो एक वस्तु 80 रुपए में खरीदी गई, क्या कहा गया, एक वस्तु 80 रुपए में खरीदी गई और 25% लाभ पर बेच दी गई, 25% लाभ पर बेच दी गई, तो अब बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा, अब बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। तो तरीका नंबर एक, सबसे पहले देखो तरीका नंबर एक क्या करना है अपन को, तरीका नंबर एक में क्या करना है कि सबसे पहले भाई 80 रुपए की खरीदी थी, बोले तो क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना 80 रुपए, 25% लाभ ले लिया गया, चलो 80 का 25% निकालो, 80 का 25% निकालो कितना आएगा, 10 यहां से गया 10, 5 × 25 और 5 × 10 2 × 4 ठीक, या 20 × 4 = 80 और 20 × 5 = 100 डायरेक्ट और 5 × 25 तो 5 × 4 कितना हो गया 20 रुपए, 20 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है ना, यानी कि 25% लाभ का मतलब 80 रुपए में क्या हुआ कि 20 रुपए का लाभ हुआ। अब सीधी सी बात है यार कि अगर 80 रुपए में वो 20 रुपए, 80 रुपए क्रय मूल्य पर अगर उसको 20 रुपए लाभ लेना है तो कितने में बेचेगा, 80 + 80 + 20 बराबर कितना हो जाएगा 100 रुपीज, कोई दिक्कत, तो इसका भी ऑप्शन तुम्हारा सी वाला सही है। लेकिन एक काम नहीं भैया, हमें तो शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, तो चलो शॉर्ट ट्रिक से भी बना लिया जाए, शॉर्ट ट्रिक से भी बना ले तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या बताया तुम्हें, जल्दी से निकाल करो, क्रय मूल्य ब्रेकेट में 1 + 1 + कितना लाभ, 1 + इसमें लाभ हुआ है, लाभ बटे 100, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल भैया यही फार्मूला ही है। चलो अगर यही फार्मूला है तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 80 रुपए है, 80 रुपए ब्रेकेट में 1 + लाभ कितना हो रहा है 25 और बटे यहाँ पे 100 कर दो, 25 × 25 = 100, 4 × 4 = 5/4 × 80 × 80 तो 4 × 4 = 20 और 20 × 5 कितना आ जाएगा 100 रुपए आ जाएगा, 20 × 5 = 100 रुपए। तो कुल मिला के चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से जाओ चाहे आप लॉन्ग ट्रिक से जाओ, दोनों में क्वेश्चन का आंसर सेम आ रहा है। हम तो ये कहेंगे कि हमेशा आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, हमेशा आपको बेसिक्स पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का कि वो क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। लाभ अगर हो रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि क्रय मूल्य में वो जुड़ेगा, हानि हो रहा है इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो क्रय मूल्य में से घटेगा। आपको बेसिक पता है तो आप शॉर्ट ट्रिक भी वही बना लोगे, आप लॉन्ग
उत्तरी को ही बना लोगे, आपका क्वेश्चन फाइनली आपको आंसर से मतलब रहता, आंसर आपका आ ही जाएगा, लेकिन कब, जब आपको बेसिक्स पता होंगे तब। अब चलो थोड़ा सा लेवल अपन और आप करते हैं और इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके की प्रोबेबिलिटी बनती है या किस तरीके की संभावना बनती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन आने में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर किस तरीके का और क्वेश्चन बन सकता है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ो सबसे पहले। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु है, एक घड़ी 20% की हानि से, 20% की हानि से 480 रुपए में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ने से ऐसे लगता है कि 480 का 20% निकाल ले अपन और 480 का 20% निकालने के बाद उसमें से घटा दे, लेकिन ध्यान देना एक बात कि ये जो दिया गया है ये क्रय मूल्य नहीं दिया गया है। हमेशा क्या करते हैं, जब अपन जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो क्या होता है, तब हम वो सारा काम क्रय मूल्य पर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया गया। ध्यान से पढ़ना कि एक घड़ी 20% की हानि पर, 20% की हानि से 480 रुपए में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। तो क्या करना है, घड़ी का क्रय मूल्य बताना। तो इसमें भी, इस वाले क्वेश्चन में भी मैं क्या करूंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और आपको लॉन्ग ट्रिक भी बताऊंगा, दोनों में जो आपको पसंद आएगा वो आप करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। ओके इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करना हो तो आप एक काम करिए, आप मान लीजिए क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपए था, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं लॉन्ग ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब लॉन्ग ट्रिक अपन जान जाते हैं, अपन बेसिक्स जान जाते हैं, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं होती है कि, है ना, अपन को कोई दिक्कत नहीं होती है कि कल को जैसे अगर हम शॉर्ट ट्रिक भूल भी जाएं तो हमें एक लॉन्ग वाले मेथड से, या लॉन्ग वाला मेथड ना कहके ये कह लो कि एक बेसिक मेथड से अपन वहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलो कम ऑन, ये वाला क्वेश्चन था, घड़ी क्या है 20% की हानि है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को मेरे साथ एक बार पढ़ो, क्या है कि एक घड़ी 20% की हानि पर 480 रुपए में बेची गई, क्या किया गया, 480 रुपए में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। अब चलो ध्यान से सुनो, इधर देखो, मानो लिख लो यहाँ पे कि माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। अगर आपने क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया, अब देखो 20% की हानि हो रही है, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये बताओ अगर 20% की हानि हो रही है तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 20% की हानि पर, यहाँ पे लिखो 20% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपए। कितना हो जाएगा, 80 रुपए। बस अब यही आपकी ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल खत्म हो गया। बोलो कैसे, देखो अब यहाँ पे लिखो 80 रुपए विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपए है। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल भैया। तो ये बताओ 1 रुपए विक्रय मूल्य पर कितना होगा, 100/80 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसमें कितना पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि 480 है ना, 480 रुपए विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य, अब बताओ कितना होगा। तो 100/480 बटे कितना, अपान में कर दो 80, तो ये गया 8×1 8×6 48, सीधे से कितना गया, 600 रुपए आ गया। ये 600 रुपए जो आ रहा है वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर टू है। अब अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखनी है, ठीक है, जो क्वेश्चन होता है अगर उसकी शॉर्ट ट्रिक अपन को देखनी है तो चलो शॉर्ट ट्रिक भी देख लो। देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिखो क्रय मूल्य बराबर, क्या लिखो, क्रय मूल्य बराबर। तुम देखो लिखना तुम्हें क्या है, यहाँ पे लिखो 100 गुणे जो तुम्हें विक्रय मूल्य दिया गया है, 100 गुणे विक्रय मूल्य अपान 100 प्लस या माइनस लगा लो, और यहां पे लाभ या हानि, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 गुणे विक्रय मूल्य जो आपको दिया रहेगा, अपान में 100 प्लस करना, अगर लाभ हुआ है तो 100 प्लस कर लेना और अगर हानि हुई है तो 100 माइनस कर लेना। चलो इस क्वेश्चन को अपन देख ले, अगर हमें क्रय मूल्य ही निकालना था तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100
इनटू विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य तुम्हें दिया गया है, देख लो इसमें पढ़ो ध्यान से, कि 480 रुपए में बेची गई, तो यहाँ पे लिख लो 480 अपान में लिख लो 100, लेकिन इसमें क्या है 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब 100 माइनस 20, बस काम खत्म। चलो 100 × 480/80 बोलो हाँ या ना, कटा कि नहीं, 600 आ गया यहां से भी। यानी कि इतना लेंथी क्वेश्चन को हम इतने छोटे से क्वेश्चन में भी कर लिए। अगर इस तरीके का तुम्हें शॉर्ट ट्रिक पता है, अगर इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक तुम्हें पता है, तब तो तुम्हें मजा आ जाएगी, बिल्कुल मजा ही आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन केवल 5 से 6 सेकंड में अपन निकालेंगे, केवल 5 से 6 सेकंड में अपन निकालेंगे। चलो कैसे, केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आंसर बताएंगे, तुरंत आंसर बताएंगे, केवल इसी शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से, ठीक है, केवल इसी शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से। चलो ठीक है, बगल में ये फार्मूला रखने दो जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा लाभ मिले कि किस तरीके से अपन अप्लाई करेंगे। तो चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन तुम्हारा है, अब देखो बगल में तुम्हारे क्वेश्चन आ गया होगा, देखो 15% लाभ पर, 15% लाभ पर एक वस्तु को 92 रुपीज 92 रुपए में बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। अब जल्दी से केवल 5 सेकंड के अंदर निकालो भाई, 5 सेकंड के अंदर तुम्हें क्रय मूल्य निकालना है ना, तो क्रय मूल्य अगर तुम्हें निकालना है तो क्रय मूल्य बराबर क्या तुम्हें सिखाया है, 100 × 100 विक्रय मूल्य क्या कह रहा है, 92 रुपया, बोलो हाँ या ना, 92 रुपए, और क्या कह रहा है कि 15% लाभ का मतलब 100 + 15 ना, 100 + 15 यानी कि कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना जल्दी से। अब चलो 5 से काटो, 5 × 10 = 15, 5 × 10 = 20 और 23 से काटेगा, 23 × 4 = 92 कितना आ गया, 80 रुपए आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो 80 रुपए इसमें दूसरा ऑप्शन है, 5 सेकंड भी लगा नहीं लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन था, अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, और अब की बार मुझसे पहले तुम्हें लगाना है। चलो देखो, कोई वस्तु 20%, कोई वस्तु 20% की हानि पर 120 रुपए में, 120 रुपए में बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ, जल्दी से बताओ, मुझसे सॉल्व करने से पहले कमेंट में आंसर बताओ। चलो 20% की हानि पर 120 रुपए में बेची गई, तो विक्रय मूल्य है कितना, विक्रय मूल्य है 120 रुपया, ठीक है, कितने में बेची गई, 100 × विक्रय मूल्य बटे क्या कह रहा है कि 20% की हानि पर, 20% की हानि पर बेची जाती है, 20% की हानि पर का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 − 20 हो जाएगा ना भाई, 100 − 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 120 × 100/80 बोलो हाँ या ना, ये गया और 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 और 2 × 15 कट जाएगा, ये आ जाएगा सीधे 150 रुपए, कितना जाएगा 150 रुपए आ जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा, इस तरीके से हमने ये देखा कि अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से रिलेटेड बात होती है, तो अपन दो तरीके की बातें इसमें सीखे है, एक तो लॉन्ग ट्रिक सीखे है, लॉन्ग ट्रिक या यूं कह लो कि उसका बेसिक्स क्या होता है, कहां से वो निकल के आता है, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपको कभी भूलने वाला नहीं है। दूसरा ये है कि अगर अपन को टाइम बचाना है तो शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक भी अपने पास है कि अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन लगाना हुआ तो अपन तुरंत रखेंगे शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक के बाद मारेंगे चौका, तुरंत आएगा अपना आंसर। तो चलो ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो हम 2-3 क्वेश्चन आपको और नीचे दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद उसको कमेंट में जरूर से जरूर उसका आंसर दीजिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी आपको ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा। ओके चलिए ठीक है, तो तब तक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब क्या करेंगे अपन, अब अपन ये करेंगे कि लाभ और हानि में देखेंगे कि और किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ये सारे के सारे क्वेश्चन नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब अपन और सर्च आउट करेंगे कि कौन सी और पॉसिबिलिटी बन सकती है, किस तरीके के और क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर अपन उसको भी लाएंगे, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से अपन की जो लाभ और हानि का या प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि वाला चैप्टर है बिल्कुल से फिनिश हो जाएगा। चलो ठीक है, तब तक के लिए आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, लेकिन किसमें, मैथमेटिक्स पढ़ने में। ओके टाटा बाय बाय, जय हिंद।